पूरा नाम वगैरह डाल रखा होगा, और यहाँ जो एक्सपीरियंस द्वारा आपके जो क्रेडिट स्कोर दिखाएगा वो सारी चीज आपके सामने शोकेस हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अर्न नाउ करके, तो उस पर आपको नहीं जाना है। नहीं जाना है मतलब आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे चेक क्रेडिट का। तो आपके सामने देखने मिलेगा कि विड्रॉ कर सकते हो किसी भी अमाउंट को किसी भी समय, कंप्लीट नाउ पे क्लिक करना, और आपको 5 लाख रुपीज तक का जो बता रहा है कि फ्यू स्टेप्स में आपको कैश मिलेगा, इसको ही कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट नाउ पे जाएंगे, जो भी आपका नाम है पूरा वो यहाँ पे आपको शोकेस होगा। तो आपको सिंपली इस पर प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के साथ ही जो भी आपके बारे में जो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन जो इनको चाहिए, जैसे आपने बेसिक प्रोफाइल में तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन दे ही दी होगी, लेकिन अगर जो चीज रह रही है जो इस पर्सन उनको अप्लाई करने में काफी हद तक मदद कर सकता है, वो है मैरिटल स्टेटस के बारे में इन्फॉर्मेशन, शादीशुदा है कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टाइप, मंथली इनकम आपको बतानी है। इसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना है, और आपकी जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है लाइक रेजिडेंस टाइप के, वो आपको यहाँ पे देखे आपको सिंपली आगे बढ़ना है। इसके बाद जिस भी कंपनी में, क्योंकि आपने सैलरीड प्रोफेशन चूज किया होगा, तो आपको कंपनी नेम वगैरह बताना पड़ेगा कि इस कंपनी के अंदर काम करते हो, कंपनी का नाम क्या, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, डेजिग्नेशन वगैरह भी पूछे तो वो भी आप दे सकते हो। दोस्तों बहुत स्वागत है लोन पाओ यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग एक ऐसे लोन एप्लीकेशन, जिस लोन एप्लीकेशन से काफी लोगों ने पैसे तो काफी बार बिल पेमेंट करने का काम किया है, जैसे क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट हो गए, इवन फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के टाइम भी इसका यूज केस काफी होता है, और भी इसकी चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसी के अलावा लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि जो प्लेटफॉर्म जिसका यूज इतना ज्यादा हर एक चीजों के लिए है, क्या इसका यूज केस हम लोन लेने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हमें कैश लोन लेना हो, और ये अमाउंट कितने रुपए तक का? तो 5 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट के लिए इसकी डिमांड है। तो क्या 5 लाख रुपए तक का लोन ये एप्लीकेशन दे सकता है? तो शायद आप में से बहुत सारे लोग एप्लीकेशन को जानते भी होंगे जिसके बारे में हम बात करने वाला हूं, या बहुत सारे लोग जानते नहीं भी होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग नहीं जानते तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, पूरा वीडियो को देखे समझ में आएगा। और अगर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन से कभी लोन नहीं लिया है या फिर इसका यूज कभी नहीं किया है, तो आपके लिए तो बेस्ट चीज है कि आपको पहली बार सब चीजों के बारे में पता चलेगा, तो आप भी इन एप्लीकेशन का यूज केस कर सकते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करके शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, एंड हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं जो कि आप लोग अभी वॉच कर रहे हैं, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, जैसे टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सीधा पहुंचेंगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तमाम तरीके की आपको यहाँ पे कटेगरी मिलेगी, जिसमें आपको सबसे पहले ऐप लोन की कटेगरी पे चले जाना है। ऐप लोन की कटेगरी पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है क्योंकि एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है, तो आपको ऐप लोन की कटेगरी पे आप आ ही चुके हो। अब यहाँ पे तमाम तरीके कि वो लोन लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी आपको काफी टाइम जाएगा इस चीज को ढूंढने में, सर्च करने में कि किस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी हमने इतनी सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो ऐसे में आपको डायरेक्टली चले आना है सर्च पे, और जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वैसे चेक, और चेक लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, CHEQ। तो ऐसे हमें इसे लिखना है, और आपको इसी एप्लीकेशन या इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएंगे कि कैसे पर्सनल लोन लिया जाएगा। तो चेक ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले, पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें, आपके सामने कॉन्टेंट आएगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस आर्टिकल को आपको पूरा इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि चेक क्रेडिट एप्लीकेशन कैसे यूज में लाकर आप इसका एज अ पर्सनल लोन के तौर पर इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग तो वीडियो के अंदर इस बात पे फोकस रखने ही वाले हैं कि कैसे चेक एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना है, लेकिन आप लोग का मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए कि चेक एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है, कितने लोगों ने, अगर यहाँ से आपके से पहले लोगों ने भी तो यहाँ पे लोन लिया होगा ना, पर्सनल लोन का काम किया होगा, तो उन लोगों की इस एप्लीकेशन के बारे में क्या राय है, या इवन और भी चीजों के बारे में जानकारी इसी आर्टिकल के माध्यम से आपको पता चल पाएगा, जो कि आपको आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो आपका काम महज इतना है कि आप लोग इस आर्टिकल को सही से पढ़े, जहां पे पढ़ने के बाद आपको विजिट का लिंक मिल जाएगा, सिंपली से विजिट लिंक पे क्लिक करना है, और क्लिक करते आप सीधा पहुंचेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, जहां पे आपको चेक एप्लीकेशन मिलेगा। पहली बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है एक बिल पेमेंट के तौर पे पहले और पेमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन का एक हिस्सा जो है पर्सनल लोन के तौर पर भी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे आप इसको जरूरी नहीं कि आप मेरे ही माध्यम से इस एप्लीकेशन तक रीच करें, आप सीधा गूगल प्ले स्टोर पर खुद ही जाकर वहां पे चेक एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यानी एप्लीकेशन में कुछ खास बात होगी तभी तो किया है। तो एप्लीकेशन को जरूर से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। बाकी इसके यूज केस के बारे में और यहाँ पे कैसे कैसे काम करता है, सब चीजों के बारे में पहले से ही पता है। अगर आपको ज्यादा इसके बारे में डीप जानना है तो आपको एप्लीकेशन को पूरा देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में अब हम लोगों ने जान लिया है, एप्लीकेशन का यूज केस क्या है, एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, जब सभी चीजों के बारे में जान ही चुके हैं तो एप्लीकेशन को फटाफट हमें करना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल कर लिया तो उसको करते हैं ओपन। जैसे एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगी, चेक एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डालना है,
और ईमेल आईडी डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि नाम से साइन अप करना या गूगल अकाउंट से लॉगिन करना या मैनी मोर थिंग्स बेसिक प्रोफाइल भरना या बाकी की चीजें, वो सब आप खुद से कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सब चीजें मुझे बताने की जरूरत है। मैं मेन मेन चीजों को आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे इस एप्लीकेशन पर रीच करेंगे, बेसिक चीजों को जैसे ही कंप्लीट करके आगे फॉरवर्ड होंगे, तो आपके सामने आगे की चीजों को किस तरीके से प्रोसेस करना है। जैसे कि आपने अपना पूरा नाम वगैरह डाल रखा होगा और यहाँ जो एक्सपीरियंस द्वारा आपके जो क्रेडिट स्कोर दिखाएगा वो सारी चीज आपके सामने शोकेस हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अर्न नाउ करके, तो उस पर आपको नहीं जाना है। नहीं जाना है मतलब आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे चेक क्रेडिट का। तो आपके सामने देखने मिलेगा कि विड्रॉ कर सकते हो किसी भी अमाउंट को किसी भी समय, कंप्लीट नाउ पे क्लिक करना और आपको 5 लाख रुपीज तक का जो बता रहा है कि फ्यू स्टेप्स में आपको कैश मिलेगा, इसको ही कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट नाउ पे जाएंगे, जो भी आपका नाम है पूरा वो यहाँ पे आपको शोकेस होगा। तो आपको सिंपली इस पर प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के साथ ही जो भी आपके बारे में जो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए, जैसे आपने बेसिक प्रोफाइल में तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन दे ही दी होगी, लेकिन अगर जो चीज रह रही है जो इस पर्सन उनको अप्लाई करने में काफी हद तक मदद कर सकता है, वो मैटर स्टेटस के बारे में इन्फॉर्मेशन, शादीशुदा है कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टाइप, मंथली इनकम आपको बतानी है। इसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना है और आपके जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है लाइक रेजिडेंस टाइप के, वो आपको यहाँ पे देखे, आपको सिंपली आगे बढ़ना है। इसके बाद जिस भी कंपनी में, क्योंकि आपने सैलरीड प्रोफेशन चूज किया होगा, तो आपको कंपनी नेम वगैरह बताना पड़ेगा कि इस कंपनी के अंदर काम करते हो, कंपनी का नाम क्या, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, डेजिग्नेशन वगैरह भी पूछे तो वो भी आप दे सकते हो। इसके बाद आपकी कुछ और फ्यू डिटेल जैसे कि और भी चीजें जहाँ पे पूछी जाएगी वो आपको दे देनी है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे इसी के बिहाफ पे चीजें आपसे पूछी जाएगी। देन जैसे ही करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अब आपको बताएगा कि आप कितने रुपए का लोन चाहते हो, तो यहाँ पे क्रेडिट लाइन दिखाएगा कि आप कितने रुपए तक के क्रेडिट लाइन अमाउंट के लिए अप्रूव हो। या मैंने अमाउंट फिलहाल हाइड कर दिया है, आपके केस में हो सकता है शो करे, तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितना अमाउंट चाहिए ये आपका आएगा मिनिमम अमाउंट के सेगमेंट में, मैक्सिमम में आप ड्रैग करके कर सकते हो। और इसी के अंदर नीचे आपको देखने को मिलेगा ईएमआई प्लान्स की, आपको कितने महीने के लिए आपको ये लोन चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको केवाईसी डिटेल जैसे कि आपका आधार कार्ड केवाईसी, पैन कार्ड केवाईसी और सेल्फी वेरिफिकेशन, ये सब चीज अगर फेचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सिंपल प्रोसेस। इसके बाद लोन डिसबर्समेंट के लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, उसी के अंदर ऑटो डेबिट सेटिंग को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, इनकम इन्फॉर्मेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह को भी आपको जो है अप्रूव करना पड़ सकता है, मे भी अगर एक जरूरत हुआ तो बाकी लोन एग्रीमेंट सैक्शन करके लोन आपको मिल सकता है, अगर यही सेम प्रोसेस है जैसे बाकी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन मिलेगा वैसे अगर इसने इस्तेमाल किया तो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चेक रेट एप्लीकेशन के बारे में पता चल चुका होगा और कैसे फाइनेंसिंग के तौर पे भी इसको मे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। क्या राय है आपकी कॉमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।